घर का किराया एक स्थायी इनकम है, इसलिए लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। घर, दुकान, ज़मीनें खरीदते हैं, खरीदने के बाद किराए पर चढ़ा देते हैं। कई बार मालिक किराए पर दिए अपनी प्रॉपर्टी की सुध नहीं लेते हैं, विदेश चले जाते हैं या देश में रहते हुए केवल अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। केवल उन्हें किराए से मतलब होता है जो हर महीने उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन किराए पर देते समय और किराए पर चढ़ाने के बाद भी मालिक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। हमारे देश में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसे नियम हैं जहां लगातार 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी विवाद में आ जाएगी। आइए जानते हैं कब किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। अंग्रेजों का बनाया एक कानून है प्रतिकूल कब्जा, अंग्रेजी में कहें तो एडवर्स पोजिशन। इसके मुताबिक लगातार 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। जैसे मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में कभी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक ना की हो, यानी प्रॉपर्टी पर किराएदार का कब्जा लगातार रहा हो, कोई ब्रेक ना हो, किराएदार प्रॉपर्टी डीड, पानी बिल, बिजली बिल जैसी चीज़ें सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन से जुड़े विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि 12 साल तक ज़मीन पर जिसका कब्जा होगा वही ज़मीन का मालिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर 12 साल तक उस ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता तो जिसने उस ज़मीन पर कब्जा किया है उसे उसका मालिक माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निजी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन को लेकर साल 2014 में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने 2014 के फैसले को पलटते हुए कहा कि अगर कोई मालिक अपनी ज़मीन पर दावा नहीं करता है और किराएदार 12 साल से लगातार उस ज़मीन पर रह रहा है तो वो उस ज़मीन का मालिक बन जाएगा। आपको बता दें, साल 2014 में कोर्ट ने कहा था कि प्रतिकूल कब्जे वाला व्यक्ति ज़मीन पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ज़मीन का मालिक कब्जेधारी से ज़मीन वापस लेना चाहता है तो कब्जेधारी को वो ज़मीन वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के कब्जे से जुड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को 12 साल तक किसी ज़मीन पर अपना हक जताने का अधिकार देता है। अगर कोई ज़मीन विवादित है तो व्यक्ति उस पर अपना अधिकार जताते हुए 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत से उसे वापस पा सकता है। बता दें कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने का समय 12 साल है, जबकि सरकारी ज़मीन पर यह सीमा 30 साल का है। जबरन कब्जे की शिकायत 12 साल के अंदर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि 12 साल तक ज़मीन पर कब्जा बरकरार रहने और मालिक की ओर से आपत्ति नहीं जताने की स्थिति में वो संपत्ति कब्जा करने वाले व्यक्ति की हो जाएगी। अगर कब्जेदार को जबरन संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो वो मुकदमा भी कर सकता है और अपने हितों की रक्षा भी कर सकता है। सिर्फ वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी से आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए मालिक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपना घर किराए पर देते समय 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। हालांकि 11 महीने बाद रिन्यू किया जा सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ब्रेक आ जाएगा, ब्रेक आ जाने से किराएदार कब्जे का दावा नहीं कर पाएगा।